राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी, तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के बारे में बात करने वाले हैं। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा कब से शुरू हो रही है, हालांकि अर्धवार्षिक के बारे में मैंने पहले ही बता दिया और जो जिलों का टाइम टेबल आया वो भी आपको बताया, लेकिन जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो कब से होगी उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होने के बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। और आपके कक्षा 10, 11, 12 के तो काफ़ी जो अध्ययन सामग्री भी अपलोड है, जो कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का मैंने सॉल्यूशन के साथ में पेपर भी अपलोड किया, कक्षा 12 है वैसे इतिहास का किया हुआ, कक्षा 11 और 12 का इतिहास का जो स्टडी 58 वाला चैनल है वो चैनल पर आप जाकर मेरे देखो, दो चैनल है, एक तो कबीर क्लासेज 58 और एक स्टडी 58, इन दो चैनल पर आप एजुकेशन से संबंधित जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा ओपन एग्जाम 58 के नाम से जो चैनल है वो सिर्फ ओपन बोर्ड वालों का है, उसमें ओपन बोर्ड से संबंधित विद्यार्थी राजस्थान स्टेट ओपन या छत्तीसगढ़ ओपन वाले, तो वो विद्यार्थी वहाँ से अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं, तो जैसे कि पहले अर्धवार्षिक परीक्षा की अपडेट्स हालांकि पहले बता दी, फिर बार एक बार दोहरा देता हूँ कि आपकी 8 दिसंबर है, 8 दिसंबर 2022 से कक्षा 9 से 12 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है शुरू हो रही है। हर जिले का अलग अलग टाइम टेबल है, तो अपने जिले का टाइम टेबल आप प्राप्त कर दें और अपने स्कूल से जो टाइम टेबल प्राप्त हो उसे ही आप ऑथेंटिक माने, क्योंकि हर जिले का अलग अलग टाइम टेबल है। अगर आप जैसे जयपुर जिले का और पाली जिले का टाइम टेबल फॉलो करोगे तो उस हिसाब से आपकी परीक्षाएँ नहीं होगी। शुरू सभी जगह परीक्षाएँ 8 दिसंबर को ही होगी, लेकिन ख़त्म अलग अलग जगह होगी, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टाइम टेबल हैं, तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम होगी। तो अपने जिले का टाइम टेबल अपने स्कूल से ज़रूर प्राप्त करें और अच्छी तरीके से तैयारी करके, कैसे तैयारी करनी उससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको ज़रूर देख लें। अब बोर्ड परीक्षा की बात करते हैं, कक्षा 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी RBSE की, वो बोर्ड परीक्षाएँ आपके मार्च माह के अंदर पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगी, मार्च महीने के पहले सप्ताह से, यानी जो मार्च महीना उसकी शुरुआत से ही आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान दें, विस्तृत टाइम टेबल जल्दी ही जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी अपडेट है 2023 बोर्ड परीक्षा की, वो अपडेट यही कि मार्च महीने के पहले सप्ताह के अंदर ही आपकी बोर्ड परीक्षाएँ शुरू हो जाएगी कक्षा 10वीं और 12वीं की, तो उस हिसाब से ही आप तैयारी करें। और हमेशा ही आपको पता है कि पहली एग्ज़ाम अंग्रेजी की होगी, तो वैसे इस बार भी जो टाइम टेबल आएगा उस टाइम टेबल लगभग अंग्रेजी विषय से ही आपकी शुरुआत होने वाली है। तो टाइम टेबल जो हमेशा आता है उसी हिसाब से रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बाकी जो आपका महीना था सप्ताह मैंने आपको जो कन्फर्म न्यूज़ दे दी महीने और सप्ताह की, ठीक है ना, अपडेट्स कि तभी पता चलेगा जब बोर्ड की तरफ से टाइम टेबल जारी होगा। इसके अलावा कोई लेटेस्ट अपडेट आई तो मैं वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। कक्षा 10वीं और 12वीं वाले जो मेरा चैनल है स्टडी 58, उसमें से अपना स्टडी मटेरियल देखें और वहां से अच्छी तरीके से पढ़ें। हालांकि पुराने जो पिछली एग्जाम के दरमियान मैंने कुछ मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ अपलोड किए, वो अभी भी वैसे ही काम है, क्योंकि प्रश्न पत्र आपका सिलेबस नहीं बदला है, उल्टा बढ़ा है। पिछली बार जब आपके कम सिलेबस था, इस बार ज़्यादा हो गया है, तो नए सिलेबस के अनुसार भी मैं करवाने का प्रयास करूँगा। और जो कक्षा 12 के तो अध्याय वाइज वीडियो पूर्ण व्याख्या के साथ स्टडी 58 चैनल पर अपलोड है, वहाँ से आप देख लें, अगर आपके लिए 12वीं के लिए आगे कंपिटिशन एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वो सिद्ध होने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।